हमारे साथ जुड़े रहने के लिए IBN9 न्यूज को सब्सक्राइब करें। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। चेकिंग के दौरान इंदौर के DSP उमाकांत चौधरी ने शिप्रा चेकिंग पॉइंट पर एक सीमेंट कंक्रीट के मिक्सर में बैठकर 18 लोग महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे, उन्हें पकड़ा है और कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि मिक्सर की बनावट कैसी है, लोग अपनी स्वयं की जान जोखिम में डालकर किस तरह से एक ही जगह पर भरकर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर इन लोगों में आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कितना होगा। किस तरह से छुपके जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे? जो हमारे इंदौर जिले में जो नाकाबंदी पॉइंट लगे हुए हैं, आज वहाँ पर उज्जैन रोड पर एक कार्रवाई की गई है। उसमें सीमेंट कंक्रीट का एक कंटेनर जा रहा था, वहाँ पर हमारे सूबेदार अमित यादव और उनकी टीम ड्यूटी पे तैनात थी। उसको जब शक हुआ, उनको रोका गया, अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो उसमें जब चेक किया तो उसमें 18 लोग उसके अंदर कंटेनर के अंदर बड़े ही संवेदनहीन तरीके से बैठे पाए गए और उनको महाराष्ट्र से, उनके द्वारा बताया गया कि उनको लखनऊ ले जाया जा रहा था। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति में लोगों को इस तरीके से ले जाना, और उनको लोकल स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हमने जो एक रिसॉर्ट है उसमें उनको लोगों को भेजा है और वाहन को सांवेर थाने में FIR दर्ज कराने के लिए भेजा गया। किस धाराओं में कार्रवाई की जाएगी? धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।